दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहतरीन गौतम बुद्ध कोट्स इन हिंदी। दोस्तों भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। भगवान गौतम बुद्ध के इन विचारों पर चलकर कोई भी व्यक्ति सत्य की राह पर चलकर अपने जीवन में सफल हो सकता है। आइए आज हम भगवान बुद्ध के अनमोल वचनों को जानते हैं। भगवान गौतम बुद्ध के विचार, आप जैसा सोचते हैं आप बिल्कुल वैसे ही बनते हैं। इसलिए अच्छा बनने के लिए हमेशा अच्छा सोचिए, बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसने शांति को प्राप्त कर लिया। अगर आप अपने लक्ष्य में कामयाब होना चाहते हैं तो खुद पर विश्वास रखना आवश्यक है। विश्वास के बिना प्रेम असंभव है और प्रेम के बिना ईश्वर का मिलना भी असंभव है। आपका अतीत कितना ही कठिन क्यों ना हो, आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जो व्यक्ति लगातार शिकायत करता रहता है वास्तव में वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो लेकिन नींद आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं। इस दुनिया में किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं बल्कि एक अच्छे मन की जरूरत होती है। जब किसी के संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो आप समझ लीजिए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा है वक्त, क्योंकि जो वक्त बीत गया है वह कभी भी लौटकर नहीं आएगा। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते बल्कि मनुष्य की सोच व्यवहार और उसका कर्म उसका भाग्य लिखते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध, इसलिए मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा मौन वह एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। मुश्किलें चाहे हजार हो अगर मन में संकल्प हो तो हर काम संभव है। जो व्यक्ति अपने जीवन को ईमानदारी से जीता है उसे मृत्यु से भय नहीं लगता। यही जीवन का सत्य है। अगर आप बुराई से दूर रहना चाहते हैं तो इसका एक ही मार्ग है, आप अपने जीवन में अच्छे विचारों को आने दीजिए। जो व्यक्ति दूसरों से प्यार नहीं करता है उसके पास खुश रहने का कोई भी कारण नहीं होता। हजारों खोखले शब्दों को बोलने से अच्छा है एक वो शब्द जो शांति लाए। जो व्यक्ति अपने निंदा सुनने के बाद भी शांत रहता है वह संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। जिस व्यक्ति का मन एकाग्र होता है वही चीजों को उनके सही स्वरूप में देख पाता है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है, इसलिए आपके पास जितना है उसी में खुश रहिए। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है इसलिए कभी भी अहंकार न करें। तीन चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती, सूर्य चंद्रमा और सत्य। आपकी खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है बल्कि आपकी खुशी इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहे। किसी भी चीज में हार मत मानो क्योंकि हमेशा याद रखना कि शुरुआत हमेशा कठिन होता है। यदि मनुष्य शुद्ध जीवन जीते हैं तो कोई भी चीज उसे नष्ट नहीं कर सकती। तुम अपने भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो और अपने वर्तमान को सुधारो। तुम्हारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश कीजिए, अवश्य ही वह आपको अंधेरे से निकाल लाएगा। जब आपका अंधविश्वास आपकी शिक्षा पर हावी होने लगे तो समझ लीजिए आप मानसिक गुलाम बन रहे हैं। कोई भी पुरुष अपने कर्मों से महान बनता है अपने जन्म से नहीं। दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सच को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। हर दिन एक नया दिन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। हर दिन का एक नया सवेरा एक नई उम्मीद लेकर पैदा होता है। आपके बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। अतीत में ध्यान केंद्रित मत कीजिए और ना ही भविष्य के लिए सपना देखिए, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित कीजिए। यही खुश रहने का मार्ग है। यदि आप सही है तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे क्योंकि सभी लोग सच नहीं सह पाते। आप अपने विचारों को बदले, निश्चित रूप से यह विचार आपके जीवन को बदल देंगे। मनुष्य अपने जन्म और कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से शुद्ध और ब्राह्मण होता है। हार मत मानो क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। शांति प्रिय लोग आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं, उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमें हमारा जीवन तब कठिन लगने लगता है
जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई व्यक्ति दो ही गलतियां कर सकता है, एक पूरा रास्ता तय न करना और दूसरा इसकी शुरुआत ही न करना। इस संसार में कोई भी चीज कभी भी अकेले मौजूद नहीं हो सकती, हर एक चीज का संबंध दूसरी चीजों से होता है। अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ के जो आपके प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले न मिले, लेकिन समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही शांत मन का वास होता है। भले ही एक व्यक्ति की मदद करने से दुनिया नहीं बदल सकती, लेकिन यह उस व्यक्ति की दुनिया को बदल सकता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि क्रोध को प्यार से, स्वार्थ को उदारता से, बुराई को अच्छाई से और छोटे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जो व्यक्ति सिर्फ बोलता रहता है वह ज्ञानी नहीं कहलाता, बल्कि जो व्यक्ति शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है वास्तव में वही ज्ञानी है। जो अपने जीवन को सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीता है उन्हें जीवन में कभी भी मृत्यु का भय नहीं होता। जिस प्रकार बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है, उसी प्रकार एक बुद्धिमान और अच्छा व्यक्ति थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके स्वयं को अच्छाई से भर देता है। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखिए कि बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार स्वास्थ्य है, सबसे बड़ा धन संतोष है और वफादारी सबसे बड़ा संबद्ध। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वह व्यक्ति कभी भी निराश और परेशान नहीं हो सकता। अगर आप अपने जीवन में असफल है तो इसका ये अर्थ है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार नहीं है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और निश्चित रूप से ये आदतें आपका भविष्य बदल देगी। अगर आप सच में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी दूसरों को दुख नहीं पहुंचा सकते। मंजिल और लक्ष्य को पाने के लिए यात्रा अच्छी होनी चाहिए। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है समय, इसलिए इसे बर्बाद ना करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें मनुष्य स्वयं जलता रहता है। स्वयं के मन पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से बेहतर है। मनुष्य कितना ही गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई हमेशा काली होती है। इसलिए यह अहंकार मत कीजिए कि सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। अगर आप सही दिशा है मैं है तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उस दिशा में चलते रहे। ऐसा करने से अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। बुद्ध के प्रेरक विचार।